वैसे बहुत मजा आया ना जुबैर भाई के घर, काफी अच्छी दावत की थी। इन लोगों की दावत यूजुअली अच्छी ही होती है, दोनों मियां बीवी बहुत अच्छे नेचर के। उनका बेटा कितना क्यूट है, किसे दीवानों की तरह मोहब्बत कर रहे थे उससे। बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको पता है ये जुबैर भाई का सगा बेटा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी की पहले भी शादी हुई थी और इस बच्चे की पैदाइश के वक्त भाभी बेवा हो गई थी। जुबैर भाई से उनकी दूसरी शादी है। अच्छा, वैसे देखकर लगता तो नहीं है, कितनी मोहब्बत कर रहे थे ना उस बेटे से। मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे, जुबैर भाई बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने इस बच्चे को कभी फील नहीं होने दिया कि जुबैर भाई उसके सगे बाप नहीं। सजल, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हर यतीम बच्चे की किस्मत एक जैसी नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ की इतनी अच्छी किस्मत होती है कि उन्हें जुबैर भाई जैसा बाप मिल जाता है, लेकिन कुछ की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। हाँ, बचपन में मुझे भी अब्बा के जाने के बाद उनकी कमी इतनी महसूस नहीं हुई। भाई, बाजी, अम्मी, उन सब ने कमी महसूस ही नहीं होने दी, बहुत मोहब्बत से रखा मुझे। मैं भी बस यही बताना चाह रहा था आपको कि जो दिन हमने गुजारे ना बचपन, वो अल्लाह ना करे किसी को गुजारने पड़े। मगर मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, जिन्होंने मेरे लिए जिंदगी को आसान बनाए रखा। कोशिश तो मेरी भी यही थी कि मैं अपनी बहनों की जिंदगी आसान करूँ, लेकिन क्या करता, अब्बा की वफात के वक्त बहुत छोटा था और सारा प्रेशर फरी और अम्मी पर आ गया, कुछ खास कर नहीं सका। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? आप भी उन्हें उतनी ही मोहब्बत देते हैं, और पुरानी बातों को लेकर अफसोस करने की क्या जरूरत है, अब तो जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। ठीक कह रही हैं, जो वक्त गुजर गया उसे सोचकर क्या फायदा। और वैसे भी आगे तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां है ना। इंशाल्लाह। मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, थक गई। अशर, अशर, रास्ता देख दे।